जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 26 तारीख को यानी कि 26 सितंबर को आपका जो है एमपीटेट का एग्जाम है। दोस्तों उसके लिए आपने अपना आकलन किया अभी से कि नहीं किया? दोस्तों परीक्षा ऐप पर मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। जैसे आपकी परीक्षा में 150 नंबर के पेपर आना है, वैसे ही परीक्षा ऐप पर मॉडल पेपर उपलब्ध हैं और 150 नंबर से आपके कितने नंबर आ रहे हैं इसका आकलन आप कर लें। बहुत सारे बच्चों ने दोस्तों ये टेस्ट सीरीज लगाई है, तो आप भी परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज लगाएं और सेल्फ SC40 कूपन कोड यूज करें तो 40% आपको ऑफ। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपने विटामिन के रासायनिक नाम पढ़े होंगे, अभी तक बहुत सारी ट्रिकें देखी होंगी, लेकिन आपको विटामिन कुछ दिन के लिए याद होते हैं और आप भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप कभी नहीं भूल सकते। पूरा वीडियो जरूर देखें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। दोस्तों आपका जो पहला है, आप पढ़ते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, ठीक है? तो यहां पर आपको क्या देखना है, विटामिन ए, ए क्या है, ए फॉर एप्पल। और एप्पल लेने अब आप जाते हो तो क्या करते हो, रेट करते हो, कैसे ही उठा के ले आते हो। उसने बोला 55 रुपए किलो, आपने कहा दे दो, नहीं रेट करते हो, नहीं इतने रेट में दे दो, है ना? तो रेट करते हो तो विटामिन ए, और ए फॉर एप्पल, एप्पल का रेट करते हो तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। रेटिनॉल याद रख लेना है आपको, विटामिन ए का रेटिनॉल। आपसे पूछा जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बोलोगे रेटिनॉल, ठीक है? अब दोस्तों अब आया है आपको V1 V2, ये आपको कभी याद नहीं होते, लेकिन मैंने एक बहुत अच्छी कहानी बनाई है जिसको आपको याद कर लेना है। दोस्तों आपको पता है दोस्तों बी फॉर क्या होता है, बॉल बोल देते हो आप लोग, लेकिन यहां पर आपको लेना है बी फॉर बालक, बी फॉर बिट्टू। आप लोग बोलते थे अपने छोटे से बालक को बिट्टू, वो ही बिट्टू है, बी फॉर बिट्टू, ठीक है? दोस्तों एक बात बताना कि जब बालक एक साल का होता है, आपने यहां पर B1 का रासायनिक नाम पढ़ना है, जब बालक एक साल का होता है तो वो क्या करता है, मिनमिनाता है, मिनमिनाता है कि नहीं, रोता है, मिनमिनाता है, है ना? तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसे थाए थाए थप्पड़ी वाली वो सुनाती है, थाए थाए थप्पड़ी करती है और उसका मिनमिनाना बंद होता है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थायमिन। बालक मिनमिनाता है तो मम्मी उसे थाए थाए थप्पड़ी सुनाती है, तो क्या हो जाएगा आपका, थायमिन, ठीक है? याद हुआ कि नहीं हुआ, B1 यानी कि एक साल का हुआ, एक साल का हुआ बालक मिनमिनाता है, थाए थाए थप्पड़ी सुनाई जाती है, उसका बंद हो जाता है, तो थायमिन, ठीक है? याद कर लेना। इसी प्रकार से दोस्तों जब बालक एक वर्ष का हुआ तो वो मिनमिनाता है, और जब दो वर्ष का बालक हो जाता है तो आपने देखा होगा आजकल के जो बालक होते हैं मोबाइल में सुनने लगते हैं, और ये दो वर्ष का बालक क्या सुन रहा है दोस्तों, वो सुन रहा है राई, राई नृत्य। आप देखे होंगे मध्य प्रदेश का एक नृत्य है राई, राजकीय नृत्य माना जाता है राई। तो ये दो वर्ष का बालक क्या सुन रहा था, राई सुन रहा था, राई। आप लोग भी सुनने ला, यूट्यूब में डाल लेना राई, तो राई आपको मिल जाएगा, राई नृत्य होता है। तो B2 यानी कि दो वर्ष, बिट्टू कितने साल का हो गया, 2 साल का हो गया, और ये राई सुनने लगा, तो इसका विटामिन B2 का जो आपका रासायनिक नाम होगा राइबोफ्लेविन, क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन, ठीक है? तो विटामिन B1 बालक मिनमिनाता है तो उसकी मम्मी थाए थाए थप्पड़ी, तो थायमिन, ठीक है? विटामिन B2 में बिट्टू राई सुनता है तो राइबोफ्लेविन। अब बिट्टू कितने साल का हो गया है दोस्तों, 3 साल का हो गया। अब बिट्टू ने सोचा कि यार मैंने बहुत मिनमिना लिया है और बहुत मैंने राई सुन लिया, अब कुछ नया सीन हो जाए। बिट्टू ने क्या सोचा, 3 साल का हो गया और उसने बोला अब नया सीन हो जाए, तो B3 का रासायनिक नाम नियासिन, B3 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, नियासिन। और नियासिन में वो क्या बोलता है, पबजी खेला जाए, तो पबजी खेल रहा है, उसने नियासिन निकाला, तो B3 3 साल में नियासिन निकाला, 4 साल तक खेलता रहा नियासिन पबजी। और जब 5 साल का हुआ दोस्तों, तो आपने देखा होगा स्कूल जाने लगा और उसे पेंटिंग एंटिंग सिखा दी, तो वह पेंटों का उपयोग करने लगा। देखें बालक कैसे पेंटों का उपयोग कर रहा है, तो पेंटों का उपयोग कर रहा है 5 साल में बालक, तो विटामिन B5 का आपका क्या हो जाएगा, पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल, क्योंकि बालक 5 साल का हो गया है और अभी पेंटों का उपयोग कर रहा है, पेंटोथेनिक अम्ल। याद हो रहा तो लाइक जरूर करना दोस्तों,
विटामिन B6। अब एक चीज बताना दोस्तों, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पाइरीडॉक्सिन। तो आपने 6 आया है, मतलब 6 आपने नाम सुना होगा मैच में, और मैच में दो पारी होती हैं और बिट्टू हो गया है 6 साल का, तो पारी में 6 मार रहा है बिट्टू। क्या मार रहा है? पारी में 6 मार रहा है, मैच की पारी में। और कितने साल का हो गया? 6 साल का हो गया। तो B6 का रासायनिक नाम क्या होगा? पाइरीडॉक्सिन। पारी में 6 मार रहा है, क्या मार रहा है? मैच की पारी में 6, तो क्या हो जाएगा? पाइरीडॉक्सिन। ठीक है, अब दोस्तों बिट्टू 6 साल से हो गया है 7 साल का। अब 7 साल का हो गया है, तो जब 7 साल का हो गया तो किसी साथ की जरूरत है। अब साथ की जरूरत है तो इसका बायोडाटा निकाला गया। क्या निकाला गया? बायोडाटा। और जब बायोडाटा निकाला गया तो इसकी शादी नहीं हो रही थी, बिट्टू बहुत कमजोर था, है ना, तो इसकी शादी नहीं हो रही थी, लेकिन इसे साथ चाहिए। तो B7 का रासायनिक नाम क्या होगा? बायोटिन, क्योंकि B7 साथ के लिए, इसे बायो, है ना, साथ चाहिए था किसी के लिए, तो इसका बायोडाटा निकाला गया, तो बायोटिन, B7 का बायोटिन। ठीक है, अब दोस्तों इसकी शादी नहीं हो रही थी तो इसे क्या किया गया? अब ये कमजोर था तो इसे 9 साल का हुआ और इसे फल खिलाया गया। क्या? बहुत सारे फल खिलाए गए कि ताकि बिट्टू क्या हो जाए? मोटा हो जाए। तो इसने बहुत सारे फल खाए 9 साल में, तो विटामिन B9 का क्या हो जाएगा? फॉलिक अम्ल। फल खिलाए तो फॉलिक अम्ल। ठीक है, याद रख लेना, विटामिन B9 का फॉलिक अम्ल। अब दोस्तों इसकी शादी हो गई, बिट्टू की 9 वर्ष में क्या हो गई? शादी हो गई। और सबसे अच्छी बात थी कि इसकी कितनी साली थी? 11 साली थी। दोस्तों इसकी शादी हुई 9 साल में फल खाकर, और 11 साली थी इसकी। और इसके मित्र कितने थे पता है आपको? 12 मित्र थे, 12 मित्र थे, है ना, और साली कितनी थी? 11। तो B11 की का जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा? सालिसिलिक अम्ल। सालिसिलिक अम्ल, क्योंकि B11 यानी कि इसकी कितनी साली थी? 11 साली थी, 11 साली थी, तो सालिसिलिक अम्ल। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। अब दोस्तों इसके मित्र कितने थे? 12 मित्र थे। अब 12 मित्र ने सोचा कि चलो 12 लोगों का, 11 लोगों का तो यहां पर जुगाड़ है, शादी हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया? अपने बालों को साइनाइन किया, साइनो को बालमेन, बालों में क्या किया? साइनाइन किया और चल दिए। कितने मित्र? 12 मित्र। तो B11 का रासायनिक नाम क्या होगा? साइनो को बालमेन। अब आपको दोस्तों इमेज करना है, अब कुछ नहीं करना है, आंखें बंद कर लो। बिट्टू 1 साल का था, कितने साल का था? 1 साल का था, मिनमिनाता था। तो इसकी मम्मी ने इसे थाई थाई थप्पड़ी, थायमिन, है ना, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमिन। अब बिट्टू कितने साल का हो गया? 2 साल का हो गया दोस्तों, तो वो राई सुनने लगा मोबाइल में, तो राइबोफ्लोविन, है ना। और बिट्टू फिर इसके बाद हो गया 3 साल का दोस्तों, कितने साल का हो गया? 3 साल का। तो इसने बोला कि अब सीन बदला जाए, नया सीन आ जाए, तो नियासिन। 3 साल का हुआ तो इसने बोला कि नया सीन आया, अब राई बहुत सुन ली, तो नियासिन। ठीक है, और बिट्टू अब 5 साल का हो गया दोस्तों, 5 साल का हो गया तो स्कूल जाने लगा और वो पेंटिंग करने लगा, तो पेंटोथेनिक। ठीक है, अब पेंटोथेनिक, और फिर 6 साल का हुआ बिट्टू जब, तो ये 6 खेलने मारने लगा, मैच खेलने लगा, और पारी में 6 मारने लगा, 6, तो पाइरीडॉक्सिन, 6 मारने लगा तो पाइरीडॉक्सिन। और जब बिट्टू बड़ा हुआ और 7 साल का हो गया, तो इसे साथ की जरूरत थी, तो इसका बायोडाटा निकाला गया, तो B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। अब दोस्तों इसकी बायोडाटा तो निकल गया, लेकिन क्या नहीं हो रही थी? शादी नहीं हो रही थी। तो बिट्टू को फल खिलाया गया, 9 साल में इसकी शादी हुई, फल खिला गया, तो फॉलिक अम्ल, विटामिन B9 का फॉलिक अम्ल। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसकी कितनी साली थी? 11 साली थी। तो B11 का सालिसिलिक अम्ल, है ना, और मित्र कितने थे? 12 मित्र थे दोस्तों। तो 12 मित्रों ने क्या किया? साइनो को बालमेन, बालों को साइनाइन किया और चल दिए। तो ये B12 का जो आपका रासायनिक नाम होगा, साइनो को बालमेन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके, शेयर करके, कमेंट में जरूर बताना कि सर मुझे पूरे के पूरे विटामिन याद हो गए हैं। अगला विटामिन जो दोस्तों अपना है, विटामिन सी। अब विटामिन सी यानी कि सी फॉर क्या होता है दोस्तों? कार। कार कैसी होनी चाहिए? एसी होनी चाहिए। कार एसी होनी चाहिए, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? एस कार बिक रही। मैंने पूछा आपसे कार बिक रही है, आपने बोला एस
कार बिक रही है या फिर एसी कार बिक रही है। कैसी? एसी कार बिक रही है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। सी फॉर कार और कार बिक रही है तो एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, याद हो रहा होगा दोस्तों। अब दोस्तों आपको बताना विटामिन डी का रासायनिक नाम। अब विटामिन डी आप लोग सभी समझते हैं कि विटामिन डी से क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। विटामिन डी से कैल्शियम मिलता है और कैल्शियम मिलता है तो इसका रासायनिक नाम होगा कैल्सीफेरॉल। क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। और अगला जो आपका विटामिन है वो है विटामिन ई। विटामिन ई इसका रासायनिक नाम है दोस्तों टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल है। और ई फॉर क्या होता है? ई फॉर होता है एलिफेंट। ई फॉर एलिफेंट, और एलिफेंट को टोकोगे तो क्या हो जाएगा? फैल हो जाएगा, एलिफेंट फैल हो जाएगा और आपको चित्त कर देगा, है ना। तो टोको मत, टोको मत, ई टोको मत, है ना। तो ई का टोकोफेरॉल, ठीक है। और एक और आपका बचा है दोस्तों विटामिन के। अब विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन आपने एक प्रश्न सुना होगा, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता परीक्षा में कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपने बताया होगा कि रक्त का थक्का नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? क्योंकि इसका फिलो रुक जाता है। क्या होता है? इसका फिलो रुक जाता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा? फिलोक्विनोन। आपको बताना है चावल मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कितने होते हैं? 24 होते हैं। एक बार की बात सुनो दोस्तों, मेरी बीबी ने कहा कि आज हम चावल टमाटर बना रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। दोपहर में मैंने कहा कि क्या बना रहे हैं, तो चावल टमाटर बना रहे हैं। फिर शाम को बोला तो क्या बना रहे हैं, चावल टमाटर बना। मैंने कहा 24 घंटे चावल टमाटर क्या लगा रखा है? तो चावल टमाटर ये क्या लगा रखा है 24 घंटे? तो चावल टमाटर का गुणसूत्र कितना होगा? 24, ठीक है। क्योंकि क्या बन रहा है? 24 घंटे चावल टमाटर बन रहा है, ठीक है। तो 24 आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, आम और चूहे का गुणसूत्र। आम और चूहे का गुणसूत्र कितना होता है? 39, 40, 42 या फिर 41? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 40। कितना होता है? 40, ठीक है। अब दोस्तों आप एक चीज बताना, आम कितने रुपए किलो होते हैं? लगभग 40 रुपए किलो होते हैं। और आप एक किलो आम 40 रुपए के खरीद कर लाए और घर पर आके रखा और ये चूहा जो आपको दिख रहा है ये पूरा आम आपके खा गया, ठीक है। तो आप कितने रुपए के लाए थे? 40 रुपए के लाए थे और आम खा गया चूहा। कितने रुपए के? 40 रुपए के। तो आम का गुणसूत्र भी 40 हो गया और आम 40 के खाए तो चूहे का गुणसूत्र भी कितना हो गया? 40 हो गया। अब आपको याद भी हो गया कि आम का गुणसूत्र 40 तो चूहे का गुणसूत्र भी 40 ही होगा, क्योंकि आम तो चूहा खा गया, ठीक है। इसलिए आपको याद करना है बिल्ली शेर और टाइगर में गुणसूत्र होते हैं। अब दोस्तों आपने देखे होंगे बिल्ली शेर और टाइगर ये सभी एक ही प्रजाति के प्राणी हैं। अब इनके गुणसूत्र कितने होते हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 38। कितने होते हैं? 38। अब जब आप 38 लिखते हो तो आप बोलते ना कि टाइगर क्या हो जाता है? अड़ जाता है। टाइगर अड़ जाता है, शेर भी अड़ जाता है, बिल्ली भी आपने देखी होगी अड़ जाती है। जब बिल्ली अड़ जाए तो किसी की दम नहीं होती कि बिल्ली के साइड जाए, है ना। तो बिल्ली भी अड़ जाता है, शेर भी अड़ जाता है और टाइगर भी, तो अड़ जाता है। सो अड़ से क्या बनेगा? 38, ठीक है। तो बिल्ली शेर और टाइगर अड़ जाते हैं, इसलिए इनके गुणसूत्र कितने हैं? 38, ठीक है। अब देखते हैं हाथी में कितने गुणसूत्र हैं। हाथी में आपको बताना है कितने गुणसूत्र हैं। अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखते जाए, वीडियो को लाइक जरूर आपको करना है दोस्तों। हाथी में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 56 होते हैं। अब आपने 56 इंच का सीना सुना होगा दोस्तों। अब जिसका 56 इंच का सीना होगा उसका शरीर भी कैसा होगा? हाथी जैसा होगा। हम बोलते ना कि हाथी जैसा शरीर लगाए हो और आप में कोई ताकत नहीं है, तो जिसका 56 इंच का सीना होगा उसका शरीर भी हाथी जैसा होगा, या फिर जो हाथी जैसा होगा उसका सीना 56 इंच होगा, ठीक है। तो 56 इंच, 56 गुणसूत्र होते हैं हाथी में, ऐसा आपको याद करना है।
अगला देखो दोस्तों, मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मच्छर, मच्छर सभी लोगों ने देखे होंगे मच्छर, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा छह। यहां पर आ रहा ना छह मच्छर, तो छह आ रहा है यहां पर, तो मच्छर में छह गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? छह। ये चीज याद रख लेना, इस मच्छर में कितने गुणसूत्र हैं? छह गुणसूत्र, ठीक है। मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों? मक्खी, आपके घर में मक्खी रहती होंगी, आप बहुत सफाई करते फिर भी मक्खी रह जाती हैं, एक दो मक्खी तो रह जाती हैं, एक दो मक्खी तो रह ही जाती हैं, आप कितना सफाई करो कितनी दवाई डालो एक दो मक्खी तो रह जाती हैं। तो मक्खी का जो गुणसूत्र होगा वो कितना होगा? एक दो यानी कि 12, ठीक है, एक दो मक्खी रह जाती हैं, इसको ऐसे याद करना है। अगला है दोस्तों, मक्का में गुणसूत्र होते हैं। मक्का, मक्का बोते ना आप लोग, मक्का खाते होंगे, भुट्टे खाते होंगे मक्का, और कई लोगों को तो अगर भुट्टे मिल जाएं तो 20 भुट्टा खा जाएंगे। कितने खा जाएंगे? 20 भुट्टे खा जाएंगे। तो मक्का में गुणसूत्र होते हैं कितने? 20 होते हैं, 20। अब आप 20 भुट्टे जरूर खा जाएंगे, अगर आपको भुट्टे मिल जाए ना तो 20 भुट्टे खा जाएंगे। तो भुट्टे यानी कि मक्का, मक्का का भुट्टा, और इसमें गुणसूत्र होते हैं 20। ऐसे याद करते जाना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और दूसरे वीडियो भी जरूर देखें इसी प्रकार के। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? सभी को पता है, पूछा जाता है कई बार पूछा जाता है, 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े मतलब कितने हो जाएंगे? तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, 46। 46 यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही, 23 जोड़े या फिर 46 इस प्रकार से आते हैं। अगला बताना है दोस्तों आपको, चिंपांजी और आलू में कितने गुणसूत्र होते हैं? आपने अगर कोहलर का सिद्धांत पढ़ा होगा, बाल विकास मनोविज्ञान में कोहलर का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो कोहलर क्या करता है कि उसको केला उसको भूख लगती है तो उसको केला चाहिए, तो और केले के लिए वो अड़ जाता है। क्या हो जाता? अड़ जाता है। तो चिंपांजी और आलू, यहाँ पर चित्र में देखो, ये चिंपांजी है और ये चिंपांजी भी आलू खाना है इसको, ये अड़ गया है कि हमें तो आलू ही खाना है। कौन? चिंपांजी अड़ गया है कि आलू खाना है, अड़ गया है तो 48, ठीक है, और ये 48 साल का चिंपा है, ठीक है, ये लगभग 48 आलू खा जाएगा। कितने खा जाएगा? 48। तो 48 आलू खा जाएगा चिंपा 48 साल का, ठीक है, और ये अड़ गया है आलू खाने के लिए। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा 48। चिंपांजी और आलू का गुणसूत्र कितना होगा? 48, ठीक है। अब देखें दोस्तों, घोड़ा का जो घोड़ा में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? घोड़े में बताना है आपको कितने गुणसूत्र होते हैं घोड़े में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 64। जी हाँ दोस्तों, ये जो घोड़ा है ये अपने चार पांव से एक दिन में 64 किलोमीटर दौड़ता है, है ना। घोड़ा एक दिन में कितने किलोमीटर दौड़ता है? 64 किलोमीटर, आपको याद रख लेना 64, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कबूतर में गुणसूत्र होते हैं कितने? होते हैं कबूतर में गुणसूत्र, प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 80 साल, है ना, 80। कितने गुणसूत्र होते हैं कबूतर में? 80 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि आजकल के जो 80 साल के बुड्ढे हैं वो भी ये गाना गाते हैं, कबूतर जा जा जा, आपने नाम सुने होंगे ना, तो 80 साल का बुड्ढा भी क्या गाता है? कबूतर जा जा वाला गाना गाता है। तो कबूतर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 80, क्योंकि 80 साल का बुड्ढा भी गाना गाता है कबूतर जा जा जा, इस प्रकार से याद करते जाना है, ठीक है। ये देखो कसरत कर रहे हैं 80 साल के बुड्ढे। प्याज और कंगारू में गुणसूत्र होते हैं कितने? होते हैं 12 का उत्तर हमें बताना है। प्याज और गुणसूत्र कंगारू में कितने होते हैं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्याज यानी कि 16, है ना, 16 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रख लेना, प्याज और कंगारू में कितने गुणसूत्र होते हैं? 16 गुणसूत्र होते हैं। प्याज को ऐसे कर दो अगर, प्यार प्यार हो जाएगा इस प्रकार से। तो प्यार, आजकल के जो लड़का होते हैं वो 16 साल में भी प्यार करने लगते हैं और बार बार कंघा फेरते हैं अपने बालों पर, ठीक है। तो कंघा से कंगारू भी 16 साल, ठीक है, यानी कि 16 गुणसूत्र होते हैं कंगारू में, और प्याज
में भी 16 गुणसूत्र होते हैं, इस प्रकार से याद कर लेना। अब देख लो मेंढक में गुणसूत्र होते हैं, तो मेंढक में कितने गुणसूत्र होते हैं, मेंढक आपने देखा होगा कभी कितने होते हैं, 28, 29, 26 या फिर 27। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कितने होते हैं, 26 होते हैं। आप अगर बरसात के समय में चाहो तो मेंढक 26 मेंढक को ढक सकते हो, ढक मेंढक में ढक 26 मेंढक को ढक सकते हो। तो मेंढक में गुणसूत्र कितने होते हैं, 26 है ना। गाजर में गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, गाजर, गाजर में कितने होते हैं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 18। और आप अगर गाजर का क्या खाते हो, गाजर का जूस पीते हो, जूस, तो आप भी कितने साल के हो जाओगे। अब दोस्तों आपको बताना है गाजर में गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं गाजर में, आपने गाजर देखी होगी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 18। कितने गुणसूत्र होते हैं, 18 गुणसूत्र होते हैं। अगर आप गाजर का जूस पीते हो तो आप चाहे 60 वर्ष के हो, कितने वर्ष के हो जाओगे, 18 वर्ष के हो जाओगे। चित्र में देखो ये सभी क्या करते हैं, गाजर का जूस पीते हैं, और ये कितने वर्ष के लग रहा है आपको, 18 वर्ष जैसे लग रहा है, ठीक है। तो ये गाजर का जूस पीते हैं तो 18 वर्ष के हो जाते हैं। तो गाजर में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 18, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला देखो भालू में गुणसूत्र होते हैं, भालू, भालू आपने देखा होगा, भालू में कितने गुणसूत्र होते हैं, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा 74, ठीक है। अगर आपका शरीर भी भालू जैसा हो गया तो आप 74 साल के लगने लगोगे, है ना, जिसका शरीर भालू जैसा हो गया है वो 74 साल का लगेगा या 74, ठीक है। तो याद रख लेना है आपको, आपका शरीर आपने देखा होगा कि 18 साल का है एक व्यक्ति, लेकिन उसका शरीर भालू जैसा हो गया तो वो कितने साल का लगने लगा, 74 साल का। तो 74 होते भालू में गुणसूत्र। अगला है दोस्तों गेहूं में गुणसूत्र होते हैं, कितने होते गेहूं, आप लोग देखते होंगे आपके खेत में गेहूं बोए होते हैं, ठीक है, और गेहूं आपने देखे होंगे, तो कितने गुणसूत्र होते हैं, 42 गुणसूत्र होते हैं। एक बार मेरे दोस्त के खेत में गेहूं बोए थे और गेहूं में आग लग गई, मैंने उससे पूछा कि आपके कितने खेत में, कितने एकड़ खेत में आग लग गई, तो उसने कहा कि 42 एकड़, कितने 42 एकड़ खेत में मैंने गेहूं बोया था और उसमें क्या लग गई, आग लग गई। तो गेहूं में कितने गुणसूत्र होते हैं, 42, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। अब दोस्तों आपको बताना है खरगोश में गुणसूत्र होते हैं तो कितने होते हैं। दोस्तों गांव में खरगोश को बोला जाता है खरा, क्या बोलते हैं, खरा, ठीक है। अब देखना खरा वही उतरेगा, खरा वही उतरेगा रेस में, रेस में खरा वही उतरेगा जो अपने चार चार पांव से दौड़ेगा, चार चार पांव से दौड़ेगा वही खरा उतरेगा, और खरा को खरगोश कहा जाता है। तो गुणसूत्र कितना होगा, 44, खरगोश का गुणसूत्र 44, चार चार अपने चार चार पांव से दौड़ेगा खरा, ठीक है। तो ये खरा उतरेगा और खरगोश का जो गुणसूत्र होगा वो 44 हो जाएगा, चार चार, ठीक है। अगला दोस्तों आपको बताना है, आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसका कमेंट में उत्तर आपको लिखना है, ध्वनि तीव्रता का मात्रक है तो क्या है, न्यूटन है, ओम है, केल्विन है या फिर डेसिबल है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बता देना और वीडियो को शेयर जरूर करना है। दोस्तों ऐसे ही रोज नए नए ट्रिक की वीडियो आपको देखते रहना है, आपकी परीक्षा के लिए, आपकी नौकरी के लिए हमारा चैनल सहयोगी बने, इसके लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, सर्च कर लेना है IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं आप, 9098609291 ये नंबर दिया है ना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, अगर 5% भी आपको अच्छा लगा हो, और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करें। आज के वीडियो के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।